मैं लाइव मार्केट में किस तरह से प्रॉफिट निकालती हूँ, क्या फॉलो करती हूँ, क्या किस तरह से मेरी स्ट्रैटेजी होती है, ये मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और एक अच्छी बढ़िया सी स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगी इस वीडियो में, ताकि आप भी उस स्ट्रैटेजी का अप्लाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिल्कुल भी एक भी पार्ट जो है मिस मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी, आपको स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वॉल्यूम के लिए बताने वाली हूँ किस तरह से वॉल्यूम हमें हेल्प करता है मार्केट में ट्रेड लेने के लिए, और किस तरह से हम वॉल्यूम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, बैंक निफ्टी में बताऊंगी यहाँ पे मैं। और एनालिसिस वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न निफ्टी में बन रहा है, आप देख पा रहे हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत ही ब्यूटीफुली बन रहा है। अभी तक नेकलाइन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, नेकलाइन का ब्रेकडाउन होते ही हम यहाँ पे पुट साइड एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिख रहा है, नीचे वॉल्यूम बना हुआ है, तो वॉल्यूम को कैसे कंबाइन करके हम अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो मैंने बता दिया आपको, बिल्कुल ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो बेरिश पैटर्न है, और जब भी ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन होगा हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से मिलेगा। तो यहाँ पे हम पुट साइड एंट्री लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट से। हेड एंड शोल्डर बनने के बाद आप नीचे वॉल्यूम में देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम मैंने लगा रखा है, ये एक इंडिकेटर है दोस्तों, आप अपने चार्ट में लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में। तो वॉल्यूम को आपको लगाना है, और यहाँ पे वॉल्यूम आपको बताता है किस तरह से आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक वॉल्यूम बना है जो बायर्स के लिए है, ये वॉल्यूम भी बायर्स के लिए है, ये 330 का वॉल्यूम है। 330 का वॉल्यूम हमें नहीं देखना है, जब भी मार्केट लाइव होगी तभी हमें वॉल्यूम को ऑब्जर्व करना होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे थोड़ा सा ब्रॉड कर देती हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ हम इसे कंबाइन करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अब इसे ब्रॉड करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ट्रेंड लाइन कुछ कह रही है वो मैं बताना चाहती हूँ आपको। ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे वॉल्यूम में लगा देंगे, और यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा छोटा कर दें तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक अगर हम ट्रेंड लाइन को कर दें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला जो वॉल्यूम बना है मार्केट ओपन होते ही, ये वाला जो वॉल्यूम बना है वो रेड बना हुआ है। मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकती है, लेकिन दूसरा वॉल्यूम जो बना है वो इससे थोड़ा सा नीचे बना हुआ आप देख पा रहे हैं। इससे अगर बड़ा वॉल्यूम बन जाता तो हम यहाँ पे मान सकते थे कि यहाँ से मार्केट जो है डाउन साइड आ सकती है। तो ये हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न बना है वो इसके साथ कंबाइन करना है आपको। अगर ये वॉल्यूम इससे बड़ा बना होता, यहाँ तक का बना होता, तो हम यहाँ पर मान सकते थे कि यहाँ से मार्केट जो है पुट साइड आ सकते हैं, हम पुट साइड एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आप वॉल्यूम देख पा रहे हैं नीचे नीचे गिरता जा रहा है, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है, हमें कोई भी एंट्री पुट साइड नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि मार्केट गिर नहीं सकती है यहाँ से, तो हमें कॉल साइड एंट्री लेनी चाहिए। उसके लिए भी हम वॉल्यूम को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉल साइड एंट्री लेने के लिए बायर्स भी नहीं है इतने मार्केट में। अगर बायर्स होते तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस वॉल्यूम जो ये जो वॉल्यूम है उससे बड़ा यहाँ पे वॉल्यूम बना होता अगर बायर्स मार्केट में होते। तो यहाँ पे फिर से सेलर्स आए, सेलर्स का वॉल्यूम देखिए, सेलर्स का वॉल्यूम यहाँ पे भी देखिए, उसके बाद बायर्स का वॉल्यूम देखिए। बायर्स का वॉल्यूम जो है सेलर्स के वॉल्यूम से बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हम ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा है। और उसके बाद सेलर्स का वॉल्यूम फिर से बना, उसके बाद फिर से बायर्स आए, फिर से सेलर्स आए, फिर से सेलर्स आए। सेलर्स का वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसके बाद जो वॉल्यूम बना है वो बहुत ही कम बना है। उसके बाद बायर्स एंटर हुए हैं, बायर्स एंटर होने के बाद फिर से सेलर्स एंटर हुए हैं, फिर से बायर्स एंटर हुए, फिर से सेलर्स यहाँ पे एंटर हुए हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीन जो वॉल्यूम बना हुआ है वो सेलर्स का बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं इस तरह से आप देख पा रहे हैं, तो ये जो वॉल्यूम हमें बता रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है पुट साइड जा सकती है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। यहाँ से हमें ऑब्जर्वेशन मिल गया कि यहाँ से मार्केट जो है अप ट्रेंड में निकल डाउन ट्रेंड में निकल सकती है, क्योंकि रेड वॉल्यूम बना है और वो भी बढ़ता हुआ वॉल्यूम बना है। यहाँ पे बढ़ता हुआ वॉल्यूम बनना चाहिए अगर रेड वॉल्यूम बन रहा है, और अगर ग्रीन वॉल्यूम बन रहा है तो भी इस तरह से बढ़ता हुआ वॉल्यूम बनना चाहिए। अगर गिरता हुआ वॉल्यूम है, इस तरह से गिरता हुआ वॉल्यूम है, तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। इस तरह से बढ़ता हुआ वॉल्यूम है ग्रीन का, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो वॉल्यूम हमें यही बताता है किस तरह से आपको एंट्री लेना है मार्केट में, कब एंट्री लेना है, कब एंट्री नहीं लेना है। अब यहाँ पे हमें हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मिला है,
तो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं कि यहाँ से जो है मार्केट डाउन साइड आ सकती है। बिल्कुल मैंने एनालिसिस वीडियो में बताया था आपको कि हेड एंड शोल्डर बना हुआ है तो डाउन साइड मार्केट आ सकती है। अब यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें इस तरह से, तो हम देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम जो है यहाँ पे हमें कुछ और ही कह रहा है। हेड एंड शोल्डर तो बना हुआ है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो है कुछ और ही कह रहा है। वॉल्यूम क्या कह रहा है कि यहाँ पे सेलर्स जो है डाउन साइड आ रहे हैं। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना बड़ा सेलर्स का वॉल्यूम बना है, लेकिन ये वॉल्यूम देखिए कम होता जा रहा है। यहाँ पे कम होते जा रहे हैं सेलर्स, और यहाँ पे फिर से एक सेलर्स आए हैं एक बार, और फिर से बायर्स का वॉल्यूम बना हुआ है। तो हम यहाँ पे कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। तो वॉल्यूम हमें बताता है कि हाँ आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है। वॉल्यूम के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊँगी ताकि आपको डीपली समझा सकूँ कि किस तरह से वॉल्यूम आपको लाइव मार्केट में अप्लाई करना होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए सेलर्स का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। अगर गिरता हुआ वॉल्यूम है तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी होती। इस तरह से अगर वॉल्यूम गिरता जा रहा है सेलर्स का हो या बायर्स का हो, ग्रीन वॉल्यूम हो या रेड वॉल्यूम हो, गिरता हुआ हमें नहीं दिखना चाहिए। अगर बढ़ता हुआ दिख रहा है तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे बायर्स का वॉल्यूम बढ़ता हुआ है तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, और यहाँ आप देख पा रहे कितना बड़ा यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिला होता। तो इस तरह से बढ़ता हुआ वॉल्यूम रहेगा तो आप एंट्री ले सकते हैं। ये ग्रीन वॉल्यूम जब भी बनेगा आप कॉल साइड एंट्री ले सकते हैं, और अगर बढ़ता हुआ रेड वॉल्यूम आपको दिख रहा है तो आप पुट में एंट्री ले सकते हैं, और पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी है दोस्तों। और कल के लिए जो मैं बता रही हूँ, कल के लिए अगर हम अंदाज़ा लगाए तो इस ट्रेंड लाइन की मदद से हमें पता चल रहा है कि जो सेलर्स का जो वॉल्यूम है वो गिरता जा रहा है। फिर से एक बार सेलर्स यहाँ पे बढ़े हैं, लेकिन फिर से जो है सेलर्स यहाँ पे गिरते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। वॉल्यूम हमें बताता है कि बायर्स बढ़ रहे हैं या सेलर्स बढ़ रहे हैं, ये हमें वॉल्यूम बताता है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सेलर्स कम होते जा रहे हैं और बायर्स भी कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। तो हम कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें जो है निफ्टी में अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल जाएंगे। चलिए बैंक निफ्टी में फटाफट बता देती हूँ आपको। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना हुआ है, और हेड एंड शोल्डर का जो है ब्रेकडाउन हो चुका है यहाँ पे दोस्तों नेक लाइन का। और अगर हम वॉल्यूम देखें बैंक निफ्टी में, तो इसे थोड़ा मुझे ब्रॉड करना पड़ेगा तो हम वॉल्यूम अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी में आप देख पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाए इस तरह से, हमें ट्रेंड लाइन लगाना है चार्ट में, और वॉल्यूम में भी ट्रेंड लाइन लगाना है। आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में जो है वॉल्यूम कम होता जा रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी आज के दिन पूरा साइडवेज से एक ट्रायंगल पैटर्न बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट हो जाता है अपसाइड, तो हमें जो है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो फेल होता हुआ नज़र आएगा। ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है तो, और अगर ब्रेकडाउन हो जाता है नीचे की तरफ, तो हमें जो है बैंक निफ्टी में अच्छे खासे 40,700 या 40,500 तक के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। ये वॉल्यूम हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि मार्केट में जो है सेलर्स कम हो रहे हैं और बायर्स भी जो है इतने बढ़िया नहीं है। तो हमें बैंक निफ्टी में भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा होने वाले हैं या सेलर्स ज़्यादा होने वाले हैं। सेलर्स का वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा बढ़ा था, आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से जो है सेलर्स बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम पुट साइड एंट्री ले सकते थे, लेकिन साइडवेज मार्केट में अगर आप पुट साइड एंट्री लो या कॉल साइड एंट्री लो, वॉल्यूम भी जो है मार्केट में 80% ही वर्क करता है दोस्तों। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं करती है मार्केट में। तो आपको कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करने से पहले रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करना होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आऊँगी, आप उस वीडियो को भी मिस मत कीजिएगा। किस तरह से आप अपने रिस्क को और रिवॉर्ड को मैनेज कर सकते हो उसके बारे में वीडियो में लेके आऊँगी। तो यही था दोस्तों वीडियो में। वॉल्यूम के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, ताकि आपको वॉल्यूम अच्छे से समझ में आ जाए। वॉल्यूम के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो और अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो।
तो यही था दोस्तों वीडियो में, आई बटन में जो भी वीडियो दे रखी है स्ट्रैटेजी की वीडियो है, आपने मेरी ट्रैप से कैसे बचे उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिए, रिटेलर्स मार्केट में ट्रैप होते रहते हैं, तो ट्रैप से किस तरह से आपको बचा जा सके और किस तरह से आप जो है रिवर्सल में ट्रेड लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो ट्रैप से बच के, वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ, तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके और अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सके। उनको किसी के टेलीग्राम चैनल की ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद से ट्रेड लेके अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।